जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान अस्पताल के आरएचएल हार्ट सेंटर में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सेवा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने सेवा की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान कार्डियक सर्जन डॉक्टर रविंदर राव ने रोबोटिक सर्जरी का लाइव प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरएचयूएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी रहे। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर एसएस अग्रवाल, डॉक्टर सर्वेश सहित विदेशों से और स्थानीय कई डॉक्टर्स जुड़े। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि देश में मेडिकल तकनीक में हो रही उन्नति के बारे में मीडिया अहम रोल निभाता है और जन जन तक इन तकनीकों के बारे में जानकारी पहुंचा सकता है। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र सिंह राव ने बताया कि दिल की बीमारियों से जुड़े मरीजों की इस तकनीक के सहारे रोबोटिक एंजियोप्लास्टी की जा रही है। इस तकनीक में डॉक्टर ही एंजियोप्लास्टी करते हैं। इससे स्टंट को सटीक उसी जगह लगाया जा सकता है जहां पर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी ब्लॉक होती है। रोबोटिक प्रक्रिया से मरीज को इन्फेक्शन और रेडिएशन का खतरा ना के बराबर होता है। सवाल है, रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का मतलब ये नहीं है कि रोबोट एंजियोप्लास्टी करता है। रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं रोबोटिक के द्वारा। तो इट इज़ लाइक रोबोटिक परफेक्शन विद ह्यूमन एक्सीलेंस। जो हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं वही हम लोग रोबोटिक आर्म से एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक परफेक्ट एंजियोप्लास्टी करनी आनी चाहिए और फिर रोबोट उस प्रिसिशन को ऐड करता है। एंजियोप्लास्टी हम रोबोट के द्वारा एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट एग्जैक्टली जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा पाते हैं। इसको बोलते हैं प्रिसाइज एंजियोप्लास्टी। जो कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे किसी नस के माउथ के ब्लॉकेज है या कोई टॉर्चर्स ब्लॉकेज है, रोबोट के द्वारा जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो प्रिसिशन मतलब जहाँ लगना चाहिए वहाँ स्टेंट लगता है। इस प्रकार से जब एंजियोप्लास्टी की जाती है वह स्टेंट्स लंबा चलते हैं, दोबारा बीमारी होने की संभावना कम रहती है। और कभी कभी अगर बिना रोबोट के एंजियोप्लास्टी की जाती है ऐसे ब्लॉकेजेस में, तो 10-15% पेशेंट्स में दूसरे स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड स्टैंड की कमी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर रोबोटिक के द्वारा एंजियोप्लास्टी। भारत का पहला एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन रोबोट द्वारा, रोबोट की सहायता से बहुत ही एक्यूरेटली किया गया। रोबोट जैसे कि आपने विदिति है यदि यूज़ करते हैं तो एक तो एंजियोप्लास्टी के अंदर पेशेंट को रेडिएशन कम मिलता है, दूसरी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से एंजियोप्लास्टी हो सकती है। जो यूजुअल ह्यूमन प्ले है 5 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाता है। स्पेशली कर्व्ड आर्टरीज और इनके अंदर ये किया जा सकता है। तो आज जो जगदीप जी धनखड़ हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और डॉक्टर सुधीर भंडारी इसके अंदर सम्मिलित हुए। तो आज हमारे प्रदेश के लिए, न केवल जयपुर बल्कि प्रदेश के लिए, एक बहुत ही गौरव का विषय है कि रोबोट एंजियोप्लास्टी उत्तर भारत के अंदर जयपुर में अवेलेबल है। और जैसा कि आपने देखा, एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और बाहर के देशों से भी जो डॉक्टर्स जिन्होंने देखा, उन्होंने इस टेक्निक को